बीते दिन एल्विश यादव को बेल मिल जाने के बाद से ही ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर एल्विश जेल से बाहर क्यों नहीं आए, आखिर क्यों अब तक एल्विश यादव की रिहाई नहीं हुई। जिसके बाद ये जानकारी मिली कि एल्विश यादव को मैक्स टर्न यानी कि सागर राठौर के साथ मारपीट के मामले में बेल मिलना बाकी है। इस मामले में अभी कोर्ट में सुनवाई होना बाकी है। हालांकि एल्विश यादव और मैक्स टर्न ने आपसी समझौते से मामले को खत्म कर दिया था, लेकिन क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और इसके बाद मामला कोर्ट में जाता ही है, आज इसी मामले पर एल्विश यादव को बेल ग्रांट की जाएगी। एल्विश को बेल मिलने की बात इतनी आसानी से हम क्यों कह रहे हैं, ये आप जेलर दीपक शर्मा की जुबानी सुनिए। सुनिए कैसे एल्विश को बेल मिलने का रास्ता अब ज्यादा मुश्किल नहीं। एल्विश का मन मुटाव दिखा तो वो एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर एक केस रजिस्टर हुआ। कुछ धाराओं में 147, 149, 323, 506। तो दोस्तों खुशी की बात ये है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सब बेलेबल ऑफेंसेस हैं। और मुझे, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि इन बेलेबल ऑफेंसेस में चीजें ज्यादा टाइम तक रुक पाएंगी। कल सैटरडे है एंड वी आर डूइंग अवर बेस्ट कि कल हम चीजों को सेटल डाउन करें। बहुत या किसी से द्वेष होना, किसी को अब्यूज कर देना, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। और इसमें बहुत खुशी की बात है, इसमें जो हमारे कंप्लेनेंट हैं उन्होंने सेटल डाउन भी किया है, दोनों का कॉम्प्रोमाइज भी है, तो चीजें बहुत जल्दी बहुत बेटर होंगी, बहुत अच्छी होंगी, हम चीजों से बहुत बाहर होंगे। बस मैं हमेशा पहले पोस्ट से अभी तक आपको एक ही बात बोलता आया हूँ, थोड़ा सब्र रखो। ऐसा नहीं है कि इन चीजों में बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, थोड़ा सा सब्र रखो भाई। मैं पूछताछ के माध्यम से आज, जी हाँ, आज ही एल्विश यादव जेल की सलाखों से बाहर होंगे। अगर सब ठीक रहा तो एल्विश यादव होली अपने घर वालों के साथ ही मनाएंगे। कानून पर भरोसा रखिए, सब्र कीजिए, सब अच्छा होगा। फाइनल कॉट, न्यूज डेस्क।